ऑल द साइंटिफिक नेम्स, देखो ऑल द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली लैटिन, लैटिन में होंगे, लैटिनाइज्ड होंगे, हेंस दे आर रिटन इन इटैलिक्स. ठीक है, अगर हम उसको टाइप कर रहे हैं तो इट शुड बी रिटन इन इटैलिक्स बिकॉज लैटिन के फॉर्म में होता है. देयर एग्जिस्ट टू पार्ट ऑफ अ नेम, द फर्स्ट आइडेंटिफाइज द जीनस एंड द सेकंड वर्ड आइडेंटिफाइज द स्पीसीज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. वेदर द नेम आर हैंड रिटन दे शुड बी अंडरलाइंड और इटैलिसाइज्ड इफ टाइप. अगर इटैलिक्स में लिखा है तो वी शुड बी इट शुड बी इटैलिक्स में लिखा होगा एंड हाथ से लिख रहे हैं तो इट शुड बी अंडरलाइंड. ऑफकोर्स इन हायर क्लासेज, नॉट इन हायर क्लासेज ऑफकोर्स, अगर 11th 12th में भी आप अगर साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन नहीं करते तो यू आर एलिजिबल टू कट योर मार्क्स. टीचर्स आर एलिजिबल टू कट योर मार्क्स अगर आप साइंटिफिक नेम अंडरलाइन नहीं करते, बिकॉज इफ यू आर स्टडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि भाई साइंटिफिक नेम जब लिखते हैं तो उस पर आपको अंडरलाइन करना है इफ यू आर राइटिंग इट. एंड अगर वो पढ़ के भी आप आंसर शीट में नहीं लिखते हो तो दैट इज, इस चीज को पढ़ने का मतलब नहीं रहता. ऑफ कोर्स हम भूल जाते हैं बहुत बार, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज छोटा छोटा थिंग्स बिकॉज देन अगेन एक एक मार्क्स काट देता है इस छोटी छोटी बातों पे. ठीक है, द नेम ऑफ द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ऑफकोर्स ये याद रखना कैपिटल लेटर. द नेम ऑफ द स्पीसीज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, नेम ऑफ द स्पीसीज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर. ठीक है, अब हम देखेंगे देर आर डिफरेंट, ये था रूल्स एंड रेगुलेशन. देर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन, आप एनसीईआरटी से पढ़ते रहना, बट बेसिक्स जो रूल हैं वो यही हैं, जितने हमें पता होने चाहिए वो यही है. ठीक है, देर आर डिटेल्ड में बहुत सारे हैं, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू. ऑफकोर्स देर आर सम टीचर्स हु माइट आस्क, बट डोंट वरी, मोस्टली कुछ कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे. दिस इज इम्पॉर्टेंट जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट नॉट to write an answer about it, but important to have an basic understanding of classification. ठीक है, so what we call it a taxonomic categories. What are taxonomic categories? You will understand this. Organism that closely resemble one another are placed in a group. Group having similarities are combined together into a larger group and those into still larger group. देखो समझ रहे हो, simple चीजें हैं. We will see there are a group of organism which have some similar characteristics. तो उस similar characteristic group को we will combine and put it in a box. एक box में डाल देंगे. Then again we have, ठीक है एक box हो गया. Then we have some थोड़े से अलग animal, इनसे थोड़े से अलग animals or plants, organisms जो similar हैं इनसे. इनसे सिमिलर है बट एग्जैक्टली ये नहीं है. दिस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म. देयर आर टू, टू बॉक्सेस आर देयर एंड व्हाट वी ऑब्जर्व इज इन दो, ये वो दोनों ही बहुत ज्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से, तो इन दोनों को हम एक बॉक्स में डाल देंगे. देन अगेन ये और कोई और बॉक्स, उसको हम एक बॉक्स में डाल देंगे. तो यही यहाँ पे लिखा है, देखो ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिजेंबल वन अनदर आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप. ठीक है, ग्रुप हैविंग सिमिलैरिटी, ठीक है एक ग्रुप में डालेंगे उसको. फिर हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप जिनमें सिमिलैरिटीज है उनको हम कंबाइन करते हैं, एक बड़े ग्रुप में डाल देते हैं. और बड़े ग्रुप्स को हम देखेंगे, बड़े ग्रुप में सिमिलैरिटीज देखेंगे तो उनको एक और बड़े ग्रुप में डाल देंगे, स्टिल लार्जर ग्रुप्स. समझ रहे हो, मतलब स्पीसीज वी कंसिडर, बहुत सारी स्पीसीज होंगी उनको हम जीनस में डाल देंगे कि ठीक है इस जीनस के अंदर इतनी सारी स्पीसीज हैं. फिर जीनस को हम डाल देंगे किसमें, जीनस को हम डालते हैं फैमिली में. तो बहुत सारे सिमिलर जीनस को हम डाल देंगे फैमिली में. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर हम दें आपको, जैसे नीचे लिखा ही हुआ है तो हम जब वो पढ़ेंगे तब देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, देर आर 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, तो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हाउ आई रिमेंबर इट वॉज KPCOFGS, देखो ब्रैकेट में लिखा होगा, इसी तरीके से याद कर लो, इसको दो तीन बार बोलोगे ना याद आ जाएगा. KPCOFGS. K for kingdom, P for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genus, S for species. KPCOFGS, आज ही कम से कम 10 बार बोल दो इसको, 10 बार नहीं, हर थोड़ी देर बाद बोल दो KPCOFGS, because there are questions coming, ऐसे questions आएंगे कि arrange the following in taxonomical hierarchy. KPCOFGS, if you remember KPCOFGS, वो आपको K दे दे, O दे दे, F दे दे, S दे दे, तो you will arrange them जैसा उसको चाहिए. ठीक है, तो you have to arrange it. KPCOFGS मैं इस form में याद रखता हूँ, तो मेरे को भी कभी भी नींद से उठा के भी पूछ लोगे तो I can write KPCOFGS. क्योंकि साथ है ना तो confusion हो जाता है, species पहले आती है, family पहले आती है,
तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, केपीसी यूएफजीएस और निमोनिक्स बनाने दैट्स योर चॉइस, बट आई प्रेफर केपीसी केपीसी यूएफजीएस। ठीक है, सबसे छोटी जो कैटेगरी होती है, सबसे बेसिक कैटेगरी जो होती है इज द स्पीसीज। मतलब स्पीसीज के नीचे कोई कैटेगरी नहीं है, स्पीसीज द फाइनल ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी को क्लासीफाई कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो वी स्टार्ट विद किंगडम प्लांट है, उसका फाइलम ये हो गया, क्लास ये हो गया, ऑर्डर ये हो गया, फैमिली ये हो गया, जीनस ये हो गया, एंड दिस इज द स्पीसीज होमोसेपियंस। सो स्पीस सेपियंस इज द स्पीसीज, होमो इज द जीनस। हमारी फैमिली कोई और होती है, अजीब से नाम है, वो हमें पढ़ना नहीं, आपके एनसीईआरटी में लिखा दिख लेना। देखो स्पीसीज हम पढ़ेंगे, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और इंटरब्रीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब स्पीसीज स्पीसीज एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं। मतलब स्पीसीज, दो स्पीसीज इतने अच्छे से एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं कि दे कैन ऑल्सो इंटरब्रीड, ब्रीडिंग भी कर सकते हैं अपने अपने। तो स्पीसीज इतने सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं विद इन अ स्पीसीज। ठीक है, एक ही स्पीसीज के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन इंटर ब्रीड। ठीक है, द स्पीसीज द प्रिंसिपल नेचुरल टेक्सोनॉमिक यूनिट रैंकिंग बिलो अ जीनस। ऑफ कोर्स ये हमें पता है, जीनस के नीचे ही होता है ये। ठीक है, तो ये हो गया स्पीसीज। अब बहुत सारी स्पीसीज को कंबाइन करके बन जाता है एक जीनस, बहुत सारी सिमिलर स्पीसीज, लाइक ऑल द स्पीसीज ऑफ डॉग्स, ऑल द स्पीसीज ऑफ कैट्स कम्स अंडर वन जीनस। ठीक है, देखो, अ जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज अलाइक इन ब्रॉड फीचर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। ब्रॉडली अगर हम देखेंगे स्पीसीज को, तो देर विल बी मैनी स्पीसीज जो एक जैसे दिखेंगी। तो उन सारी स्पीसीज को उठा के हम एक जीनस पकड़ा देंगे, भाई ये रहा जीनस, इस जीनस के अंदर इतनी सारी स्पीसीज आती है। ठीक है, बट डिफरेंट इन डिटेल। देखो, अगर हम उसको ब्रॉडली हम कंसिडर करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज को ब्रॉडली हम उस जीनस को देखेंगे, ब्रॉडली हम स्पीसीज को देखेंगे ना, तो ब्रॉडली वो हमें सिमिलर दिखेंगी, है ना। ब्रॉडली हमें सारे कुत्ते सिमिलर ही दिखते हैं, बट वी हैव डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, है ना। ब्रॉडली दे आर वॉट, ब्रॉडली दे आर डॉग्स ओनली। ऐसे ऐसा एग्जाम्पल लेके चलो। ठीक है, तो ब्रॉडली अगर हम देखेंगे तो दे विल दे आर डॉग्स, बट अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ डॉग। पोमेरियन हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, लैब्राडोर हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, बट डिफरेंट इन डिटेल। द कॉमन फीचर ऑफ द स्पीसीज हैव टू क्लासीफाई फॉर द इंक्लूजन इन अ जीनस। तो स्पीसीज के कॉमन फीचर को हम पकड़ेंगे और उनको एक जीनस में डाल देंगे। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल से थोड़ा समझाता हूँ। जैसे अब चल रहे हैं फैमिली पे, अब बहुत सारी रिलेटेड जीनस, अब फिर से हम और एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, मतलब और ब्रॉड कर रहे हैं अपना परस्पेक्टिव। जिसने पीछे जा रहा है उतना हम ब्रॉड कर रहे हैं परस्पेक्टिव। तो हम देखेंगे फैमिली, अब फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। बहुत सारे जीनस जो सिमिलर कैरेक्टर शो कर रहे हैं उनको हम एक में डाल देंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल समझो, द जीनस फेलिस। देखो फेलिस जो जीनस होता है कैट्स के लिए होता है, फेलिस कैट्स, एंड द जीनस पैंथेरा ऑफ लायन टाइगर एंड लेपर्ड। फेलिस फेलिस इज अ जीनस जिसके अंदर आती हैं सारी कैट्स, एंड पैंथेरा इज अ जीनस जिसके अंदर आते हैं लायन टाइगर एंड लेपर्ड। ठीक है, अब कैट कहाँ और लायन टाइगर एंड लेपर्ड कहाँ। ठीक है, बहुत ही अलग अलग कैटेगरी हो गई अगर हम डिटेल में देखें, बट हम दूर मतलब एक वाइडर परस्पेक्टिव लेके चलें तो ऑफकोर्स कैट की ही फैमिली है, फैमिली तो कैट की है। तो इन दोनों को हमने फेलिस जिसके अंदर कैट्स आती हैं और पेंथेरा जिसके अंदर लायन टाइगर एंड लेपर्ड आते हैं, वी हैव प्लेस्ड देम इन अ सेम फैमिली कॉल्ड एज फेलिडी, कॉल्ड एज फेलिडी। समझ रहे हो, अब इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। लाइक फेलिस इज अ जीनस जिसके अंदर वी हैव ऑल द कैट्स, एंड पेंथेरा इज अ जीनस जिसके अंदर वी हैव ऑल द लायंस टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। ठीक है, ये है उसके अंदर। वॉट हैपेंस इज हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, हम और वाइड कर रहे हैं अपना परस्पेक्टिव। तो जैसे ही हम अपना परस्पेक्टिव वाइड करते हैं, तो वॉट वी डू इज फैमिली इन दोनों की कॉमन कर लेते हैं, हम इन दोनों को हम एक ही फैमिली में डाल देते हैं। किन किन को, कैट्स को भी, लायंस को भी, टाइगर को भी, लेपर्ड को भी, क्योंकि इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो सिमिलर हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो सिमिलर हैं। बट ये ना वाइडर परस्पेक्टिव, अगर हम अपना परस्पेक्टिव वाइड करेंगे ना तो ही हमें ये सिमिलर कैरेक्टर्स दिखेंगे। अब डिटेल्स में जाएंगे तो ऑफकोर्स दे आर डिफरेंट, कैट्स एंड टाइगर्स, लायंस एंड लेपर्ड्स आर डिफरेंट। तो दिस इज नथिंग बट फैमिली। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो प्लीज मुझे बता दें साइड में, बिकॉज काफी टाइम से सब शांत बैठे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, एक बार बता दो, कंफर्म कर दो। यस
ओके 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 गुड गुड, आ रहा है मतलब समझ में, ठीक है। अब हम जा रहे हैं एक और स्टेप पीछे, अब हम जा रहे हैं ऑर्डर्स पे, अब हम जा रहे हैं ऑर्डर्स पे। ऑर्डर क्या होगा बताओ? एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, सिंपल। बहुत सारी फैमिलीज, सिमिलर फैमिलीज को हम एक ऑर्डर में डाल देंगे। एग्जाम्पल देखो, फैमिली ऑफ कैट एंड द फैमिली ऑफ कैनेडी, कैनेडी इज अ फैमिली ऑफ डॉग्स एंड फैमिली ऑफ कैट इज फेलिडी आर असाइंड टू दी ऑर्डर कार्निवोरा। समझ रहे हो? कैट्स एंड डॉग्स ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। कैट्स की फैमिली क्या है हमें पता है, फेलिडी है। डॉग्स की फैमिली हमें पता है कैनिडी है। फेलिडी एंड कैनिडी, अब इन दोनों को हमने डाल दिया एक वाइडर परस्पेक्टिव लेके कि हाँ भाई ये दोनों सिमिलर हैं, इनके दोनों के चार पैर हैं, दांत वांत हैं, सारे सिमिलर हैं, तो इनको भाई एक ऑर्डर में डाल सकते हैं, तो इनको हम एक ऑर्डर में डाल देंगे कार्निवोरा में। समझ गए? एग्जाम्पल से बहुत ईजी हो जाता है। हमने कार्निवोरा में डाल दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं, कार्निवोरा में डाल दिया। फिर देखेंगे ऑर्डर से पीछे आ जाता है क्लास। हम और वाइडर परस्पेक्टिव ले रहे हैं भाई। क्लास, अ क्लास इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। बहुत सारे ऑर्डर्स, जैसे कार्निवोरा हो गया, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स। आप पढ़ोगे तो डिटेल में तब पता चलेगा आपको। बहुत सारे ऑर्डर्स जो सिमिलर होंगे उनको हम एक में डाल देंगे, क्लास में डाल देंगे। अगेन फाइलम इज ऑल्सो सेम। फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स के केस में, डिविजन हम यूज करते हैं प्लांट्स के केस में। फाइलम एंड डिविजन, बहुत सारे सिमिलर क्लासेस, रिलेटेड क्लासेस को हम डाल देते हैं एक फाइलम में। अगर वो एनिमल की क्लासेस है तो वील कॉल इट फाइलम, एंड अगर वो इनकी क्लासेस है, प्लांट्स की क्लासेस है, वी कॉल इट डिविजन। डिविजन थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, दिस वाज डिविजन, ठीक है। डिविजन थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, दिस वाज डिविजन। एंड किंगडम, एज यू नो, किंगडम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, दीज आर किंगडम। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एज अ ग्रुप ऑफ फाइला which have certain common characteristics, example Plantae and Animalia are kingdom, nothing but kingdom. So ये चीज समझ में आ गई है, please just confirm me in the chat section कि आप लोगों को ये seven taxonomic category समझ में आ गई है। example से और clear हो जाता है ये। yes, easy था बहुत ही, कोई वो detail type कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे, दिस इज द, आई थिंक लास्ट, हाँ दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब हम देखेंगे देर आर डिफरेंट काइंड। अब ये जो टैक्सोनॉमी वगैरह हम कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसको हेल्प करने के लिए वी रिक्वायर, देर आर मैनी थिंग्स जो हमें हेल्प करती है, देर आर मैनी थिंग्स जो हमें हेल्प करेगी इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें टैक्सोनॉमी में हेल्प करती है वो चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हेल्प करती है। जैसे एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, एक बुक होती है जिसको हम बोलते हैं कीज़, KEYS, कीज़। वो कीज़ वाली हम बुकलेट यूज़ करेंगे टू चेक सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर्स, कि अगर सिमिलर कैरेक्टर है तो गो टू पॉइंट नंबर 341, अगर ये कैरेक्टर एग्री नहीं हो रहा है तो गो टू पॉइंट नंबर 342। 342 विल अगेन आस्क टू क्वेश्चंस, Are you able to see this character in this plant? Yes or no? If yes, go to this point. If no, go to this point. ठीक है, ऐसे ऐसे keys है। तो वो keys is a booklet that we use in taxonomical aid. Taxonomical aid मतलब taxonomic करने के लिए क्या क्या चीज़ required होती है, क्या क्या चीज़ उसको aid करती है, help करती है, ठीक है। Taxonomical study of various organisms are useful in agriculture. कहाँ कहाँ use होती है? Agriculture में यूज होती है ये। इफ वी नो एग्रीकल्चर इन द सेंस, इफ वी नो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स तो एग्रीकल्चर में हेल्प करेगी। इफ वी नो व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ वीड्स जो प्लांट में उग जाती है, वीड्स उग जाए तो हम कौन से वीडिसाइड्स यूज करें, ठीक है, कौन से पेस्टिसाइड्स यूज करें, तो ये सब चीज़ें यहाँ से हेल्प करता है। तो पता चल जाएगा हाँ ये वाले, ये पेस्ट और ये पेस्ट दोनों बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली को, दोनों बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली को। अगर एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो मतलब सिमिलर सिमिलर कैरेक्टर्स हैं इनमें। अगर सिमिलर कैरेक्टर्स है तो एक ही पेस्टिसाइड उन दोनों पे एक्ट कर सकता है, ये हम ऐसे इन्फर करते हैं, ऐसे डेटा निकालते हैं। इंडस्ट्रीज वगैरह में भी ये यूज होता है। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड अबाउट स्पीसीज इज स्टोर्ड, हम जितने भी स्पीसीज वगैरह के इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं हम स्टोर करते हैं, ठीक है। ऑल द स्पेसिमेंस आर ऑल्सो कलेक्टेड प्रिजर्व्ड स्टोर्ड फॉर वेरिफिकेशन इफ नीडेड लेटर। तो जो स्पेसिफिकेशन, जो हम स्टोरेज वगैरह करते हैं एनिमल्स का, लाइक इफ यू हैव बायो लैब तो यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स, इफ यू हैव
preserved animals we have. So all those preservations help in further identification, further verification कि अगर हाँ भाई एक एक लिजर्ड है तो एक और लिजर्ड अगर मिलती है तो वी हैव अ स्पेसिमेन ऑफ लिजर्ड तो वी विल कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिजर्ड. सो ये चीज आ जाती है. ठीक है, वी हैव डिफरेंट थिंग. वी हैव वन थिंग कॉल्ड एज हर्बेरिया, वी हैव वन थिंग कॉल्ड एज बोटेनिकल गार्डन, वी हैव वन थिंग कॉल्ड एज म्यूजियम, वी हैव वन थिंग कॉल्ड एज जूलॉजिकल पार्क एक्सेट्रा. वी हैव डिफरेंट थिंग्स, वी हैव कीज, वी हैव डिजिटल हर्बेरियम. ठीक है, वी हैव व्हाट यू कॉल इट, बायोलॉजिकल पार्क, गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, सेंचुरीज, ये सब. देखो, हर्बेरियम इज अ थिंग. हर्बेरियम इज लाइक अ फाइल, इट्स लाइक अ फाइल विच हैज अ कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड, ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट माउंटेड ऑन अ पेपर शीट, प्रॉपरली लेबल्ड, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड एंड अवेलेबल फॉर रेफरेंस ऑफ स्टडी. इसमें क्या होता है, वी हैव अ वाइट ब्लैंक शीट, उसके नीचे उसके लिखा को देयर आर सम डेटा नोन एज, इसका नाम बताओ, इसको इस पर्टिकुलर प्लांट को आपने उठाया कहाँ से, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लांट का कॉमन नेम क्या है, इस पर्टिकुलर प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, इस पर्टिकुलर प्लांट को आपने कहाँ से लिया, ये सारा डिटेल उसके नीचे प्रिंटेड होता है, वो आपको फिल करना होता है. तो हर्बेरियम में व्हाट वी डू इज हम एक ट्विग ले लेते हैं उस पर्टिकुलर प्लांट, नॉट द एंटायर ट्री, बट उसका एक ट्विग, ट्विग समझते हो कि लीफ एंड होने से, लीफ के जो टिप आती है उससे थोड़ा सा पहले, जहाँ पे आपको दो तीन ब्रांचेस दिख जाए वो दिख जाए, तो हम एक ट्विग लेते हैं, वो ट्विग हम उस पर स्टिक करते हैं या फिर उस पर बांध देते हैं उस पर्टिकुलर पेपर पे. ठीक है, बट उस वहां बांधने से पहले व्हाट वी डू इज हम उस पर्टिकुलर ट्विग को प्रॉपर अच्छे से प्रेस करेंगे, दबा के रखते हैं उसको, ठीक है, ताकि उसमें जितना भी वाटर है वो निकल जाए, वाटर है निकल जाए, अगर वाटर होगा तो इट विल स्टार्ट डीकम्पोजिंग. तो उसको प्रेस करते हैं, ड्राई करते हैं, उसको सुखा देते हैं, एंड देन उसको एक पेपर पे लगा के एंड वी मेक इट, मेक अ फाइल, हम उसकी एक फाइल बना लेते हैं. तो दैट इन, ये हम यूजुअली बायो में ही करते हैं, एनिमल्स को नहीं करेंगे, बॉटनी में ही करेंगे, हम प्लांट्स के लिए करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम. और ये हर्बेरियम हम फर्दर स्टडीज के लिए यूज करते हैं. तो हमारे जैसे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो उसके पास जितने भी प्लांट्स इंडिया में पाए जाते हैं जो इंडिजीनियस है, दे हैव उनका डेटा, दे हैव अ हर्बेरियम फॉर दैट, मतलब उसके फ्रूट्स, उसके लीव्स, उसके फ्लावर्स, उसके जो भी है, वी हैव ऑल दोज डेटा इनसाइड अ फाइल. सो नाउ एज द थिंग्स आर इवॉल्विंग, थिंग्स आर गोइंग, अब हमारे पास डिजिटल हर्बेरियम है, अब हम पेपर यूज नहीं कर रहे हैं, अब हम पेपर की जगह पे डेस्कटॉप यूज, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, अब हम प्रॉपर स्पेसिमेन की जगह पे अब हम उसकी फोटो यूज कर रहे हैं. बिकॉज ये क्या होता है, ये विद टाइम डिकम्पोज होने लग जाता है, इफ इफ एट ऑल इट इज ड्राइड, बट ये डिकम्पोज होने लग जाता है, 100 ऑफ ईयर्स बाद तो डिकम्पोज होगा ही होगा. बट अ फोटो इन साइड अ डेटा, इट कैन नॉट बी इरेज्ड इजीली, डिलीट करोगे तो ही होगा, वैसे नहीं होगा. तो हम डिजिटल हर्बेरियम पे शिफ्ट कर रहे हैं, वो हम कंप्यूटर में डेटा सेव करते हैं. सिंपल हर्बेरियम समझ गए होंगे. बोटेनिकल गार्डन आर लाइक गार्डन जहाँ पे आप डिफरेंट इंडिजिनियस प्लांट या फिर एक्जॉटिक प्लांट्स आप उगा के रखते हो, वहाँ पे डाल के रखते हो. वेरियस ग्रुप्स आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी करने के लिए आप ग्रो करते हो. कंजर्वेशन, उनको बचाने के लिए भी, अगर कोई मतलब क्या बोलते हैं, एंडोजीनियस वो है, एंडेंजर्ड है, अगर कोई स्पेसिफिक अपना एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो उसको कंजर्व करने के लिए भी हम बोटेनिकल गार्डन में डाल देते हैं. पब्लिक एजुकेशन, पढ़ने वढ़ने के लिए भी हम उसको डाल देते हैं. बोटेनिकल गार्डन हाउसेज अ लाइब्रेरी, बोटेनिकल गार्डन में यूजुअली एक लाइब्रेरी भी होती है, उसके अंदर हर्बेरियम होता है, म्यूजियम होता है, एंड फ्रीक्वेंटली ऑफर टीचिंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ये सब वो प्रोवाइड करता है कौन, बोटेनिकल गार्डन. द थर्ड थिंग इज जूलॉजिकल पार्क, अगेन जूलॉजिकल पार्क गए होंगे, अपना यही है कांकरेज वाला, इट्स राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, एन एनक्लोज प्लेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन. ठीक है, दिस इज नथिंग बट इफ यू हैव, इफ यू वॉन्ट टू ऑब्जर्व अ टाइगर, तो यू विल गो देयर, आप जब देखोगे 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 एंड यू विल सी द ऑब्जर्व द कैरेक्टर्स, एंड देन इट विल हेल्प इन योर टैक्सोनॉमी, इट विल हेल्प इन योर क्लासिफिकेशन. सो दिस वॉज द एंटायर चैप्टर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें टैक्सोनॉमिकल एड्स पे क्वेश्चन आते हैं, जिसपे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज लाइक दीज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पे क्वेश्चंस आते हैं. सो ये सब, ये था फर्स्ट चैप्टर, जस्ट गो थ्रू दिस पीडीएफ, आई विल जस्ट शेयर इट आफ्टर द क्लास एंड द रिकॉर्डेड वीडियो विल ऑल्सो कम. सो एक बार पढ़ लेना, टुमारो विल स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर अगेन एंड वी विल फिनिश इट इन 2 डेज, सेकेंड चैप्टर ऑल्सो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें भी, तो वी विल स्टी दैट. ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और एल्स वी कैन एंड द क्लास फॉर टुडे. कोई डाउट है? है 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 नहीं.
नहीं है। ठीक है चलो ओके बाय गुड नाइट, सो जाओ, वो वीडियो देख लेना जिसने वीडियो नहीं देखा है। वेलकम, बाय बाय, अगेन कंग्रेचुलेशंस इतने खतरनाक मार्क्स आने के लिए।